हेलो 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 फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय अमेजिंग सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स यूनिवर्स। आई होप यू आर ऑल फाइन एट योर होम एंड वी आर एंजॉइंग दिस ऑनलाइन लेक्चर्स। सो गाइस, टुडेज आवर टॉपिक इज थियरम्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस। सो यहाँ पर हम लोग पहले परपेंडिकुलर एक्सिस के बारे में बात करेंगे, उससे पहले कि हम थोड़े सिमेट्रिकल शेप्स के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज के बारे में बात करेंगे फॉर डिफरेंट एक्सिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एक रिंग के बारे में बात करते हैं, रिंग विच हैव रेडियस आर। सो अगर रिंग का रेडियस आर है और उसका जो एक्सिस है वो ऑप्टिकल एक्सिस से कवर हो रहा है, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी एम आर स्क्वेयर। क्लियर? तो ये एक रिंग के बारे में विच हैव रेडियस आर एंड एक्सिस इज परपेंडिकुलर। दिस इज इनर्शिया, ओके, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर अवर ऑब्जेक्ट्स। ओके, नाउ अगेन रिंग विच हैव रेडियस आर बट नाउ एक्सिस इज पैरेलल। So, x is now passing through diametrical point and then inertia will be mr square by 2. Okay? Okay. Third is our rod which have length L and axis is perpendicular. Okay. So, just like this, this is one rod and the axis is perpendicular. So then, rod have length L, here radius R, radius is also R, so length L, so ML square by 2L, so this is inertia, moment of inertia, not only inertia, moment of inertia, okay. Now, third is disc have radius capital R. Now, again, axis is perpendicular. Okay, so this is our disc and perpendicular. Clear? So this is disc. So disc have now moment of inertia is mr square by 2. Okay, again disc are now parallel. So axis is just passing through the diametrical points of disc. So moment of inertia is mr square by 4. Okay. Now we are moving on to cylinder. Cylinder radius r, again the axis is parallel. So axis is parallel, but this cylinder, remember this cylinder is hollow cylinder. Andar se pura khali hai. और उसकी जो ऑप्टिकल एक्सिस है वही हमारी एक्सिस है। सो तब हमारा जो वैल्यूज होगा दैट इज एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगेन नाउ सॉलिड सिलेंडर। क्लियर? तो सॉलिड सिलेंडर में ऑफ रेडियस आर, अगेन एक्सिस इज पैरेलल। ओके, सो सॉलिड सिलेंडर है, उसका भी ड्राइंग कुछ ऐसा होगा और एक्सिस इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल एक्सिस। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर बाय 2 एंड द लास्ट वन इज सॉलिड स्फीयर। रेडियस आर, अगेन इसका जो एक्सिस है वो सेंटर में से पास होने वाला है, सो फ्रॉम सेंटर। ओके, सो दिस इज अवर सॉलिड स्फीयर एंड द एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर। देन our moment of inertia will be 2 mr square by 5. Okay, so these are the moment of inertias of different shapes. Clear? So ab hum log jate hain perpendicular axis mein. To perpendicular axis mein kaise work karega, kya moment of inertia hoga, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूंगा जो कि दो एक्सिस के पैरेलल है बट एक एक्सिस के परपेंडिकुलर है। सो इट इज इन थ्री डायमेंशन। सो मैं एक ऑब्जेक्ट जो
जो सिर्फ z डायरेक्शन में और h डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन के वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है. सो दिस इज अवर y, दिस इज x एंड दिस इज z. सो तब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे? सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज परपेंडिकुलर टू y, सो आंसर विल बी आई वाई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एक्स. सो अगर इसको सेंटेंस में बोला जाए तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अवर ऑब्जेक्ट विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इज द ऑब्जेक्ट इज लाइन इन द प्लेन इज पैरेलल टू द टू एक्सिस. सो द सम ऑफ टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच ऑब्जेक्ट इज लाइंग इन साइड एंड इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट. सो दैट इज अवर आई वाई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एक्स. क्लियर? सो दैट्स अवर परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. थैंक यू गाइस. Thank you so much for listening my video lectures till the end. That means a lot to me. Thank you very much. Please like my videos and subscribe my channel.